नमस्कार, आज है 8 मई 2020। आपको मैं आज रोटावेटर का कमाल दिखाता हूँ। इस खेत में सरसों की बिजाई की हुई थी, सरसों आप देख सकते हैं इधर। रोटावेटर क्या करता है कि एक तरीके से कचरा बना के सरसों के जो बच जाते हैं फरड़े उनको और मिट्टी में मिला देता है। तो ये हमारा ट्रैक्टर अभी सामने से आ रहा है, पंजाबी गानों का शौकीन है हमारा ड्राइवर। और ये देखिए किस तरीके से इसकी स्पीड रखनी होती है धीमी ट्रैक्टर की, और ये इसके अंदर मिला देता है। पीटीओ शाफ्ट से चलता है ये। ट्रैक्टर 45 हॉर्स पावर का है, 45 हॉर्स पावर से छोटा ट्रैक्टर पे चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है खेती करने के लिए, खासकर धान के नाड़ हो या फिर ये आपके पास सरसों हो या जो भी फसल आपने उगाया हो उसके बाद बहुत बढ़िया काम करता है। और ट्रैक्टर में ब्रेकों का इस्तेमाल अगर किसी को करना आता है तो और ज़्यादा अच्छे से चलता है। हम देखिए बस, और इसका एक और ख़ास बात है कि ये ज़मीन को बहुत ही डीप पेनिट्रेट नहीं करता है, लगभग आधा फीट में ही सारा काम कर देता है। तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, आप देख सकते हैं। एक यहाँ की ज़मीन देखिए बिल्कुल नरम मुलायम हो गई है यहाँ से देखिए, और एक यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही टाइट है, और ये वाली चीज़ें हैं ये थोड़ा मुश्किल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी इसके अंदर ये मिल जाएगा तो इसमें दीमक का प्रकोप हो सकता है, तो दीमक से बचने के लिए हम इसमें बैक्टीरिया डाल देंगे। और इसकी बजाय दीमक आए भी तो वो केवल डेड वुड को ही खाती है, फसलों को नुकसान नहीं करती है। दूसरा, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनिक मैटर है खेती के लिए, और इसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा कि आपके जो खेती में कार्बनिक कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि खेती से निकला हुआ चीज़ खेती में मिक्स कर देना है। जो सामने तूड़ा है वो भी हम फसलों की मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करें, खासकर सब्जियों के लिए। तो खेती करने के तरीकों में अगर थोड़ा सा सुधार किया जाए, अक्ल से काम लिया जाए तो काफ़ी कुछ फ़ायदा है। और इसमें बार बार ट्रैक्टर अभी निकालने का ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधा ही आप बिजाई कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक मुझे लगी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। अभी ट्रैक्टर एक और राउंड आ रहा है तो मैं आपको एक राउंड और दिखाता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक, और फसलों के नाड़ जलाने के बीच में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। धान के लिए भी बहुत ही बढ़िया मशीन है ये, और इसका कीमत 40,000 से लेके 80-90,000 तक है, डिपेंड करता है कि आपकी ट्रैक्टर की कैपेसिटी कितनी है। और थोड़ा सा डीजल ज़्यादा कंज्यूम करता है ट्रैक्टर, लेकिन बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। ट्रैक्टर की मूछें, जो पंजाब वाला कल्चर है वो हरियाणा में भी काफ़ी हद तक घुस चुका है। गानों का स्टाइल भी वही है और ट्रैक्टरों का भी वही।